हेलो, अस्सलाम वालेकुम लालू खेत एफएम डब्ल्यू 11 के 31st एल्बम में खुशामदी, ईद मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। आप कौन? मैं हम बुश बोल रहा है। बुश कौन सा बुश? यूजर मशीन का बुश या वॉशिंग मशीन का बुश? व्हाट टर्म हमको कौन सा बुश समझता? अरे मैंने तुझे पहचान लिया। अबे तू वही वाला बुश है ना जो सिलाई की मशीन में होता है और हर 2 महीने बाद खराब हो जाता है, फिर कारीगर मैकेनिक के हाथ जोड़ता है कि यार बुश बदल दे, बड़ा तंग कर रहा है। इससे तो अच्छा पुराने वाला बुश ही था। मैं कोई मशीन वाला बुश नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। इंसान? किसने कह दिया बुश भाई कि तुम इंसान हो? इंसान होते तो इंसानों से प्यार नहीं करते। हमारी नजर में तुम लोहे का ही बुश हो जिसमें ना सोचने की सलाहियत होती है, ना समझने की, ना इंसाफ करने की, ना प्यार करने की। फिक्र नहीं कर बुश भाई, लोहे को एक ना एक दिन पिघलने के लिए बट्टी में जाना ही होता है। Amen, तुम अपना औकात मत भूलो, मैं अमेरिका का सदर हूँ। तू अमेरिका का सदर है तो मैं पाकिस्तान का रीगल हूँ, और तेरे एक स्टाफ के बाद आता हूँ, और उसके बाद टावर आता है, और टावर के बाद किमाड़ी, और किमाड़ी के बाद आगे पानी आता है, और पानी में लोहे को ठंडा किया जाता है। अब ये बताओ तुम खुद आ रहे हो या मैं तुम्हें लेने आऊँ? क्या बकवास करता है, सुपर पावर से टक्कर लेता है। देखो यार मुझे गुस्सा नहीं किया करो यार, पहले भी तुमने 2 दफा गुस्सा किया अफगानिस्तान और इराक में, क्या अंजाम निकला? अब तेरे अपने मुल्क के लोग ही तेरे खिलाफ हो गए। और बात सुन, तू ये कुंडा लीडर की बातों में आना छोड़ दे। अब भी अगर तूने उसकी बात मानी तो तू अमेरिका का सदर नहीं रहेगा, बल्कि हमारे सदर के इम्प्रेस मार्केट में लुंडा के कपड़ों का पथारा लगाएगा, या फिर गौसिया मोबाइल मॉल खारादर में मोबाइल बेचेगा। ये बता कौन सा गाना सुनेगा? मैंने गाना सुनने के लिए फोन नहीं किया, मुझे तुम से एक बात करनी थी। फिर करनी है? अबे तुझे कितनी मरतबा बता दिया कि उसामा पाकिस्तान में नहीं है, फिर तू हमें बार बार क्यों फोन करता है? मेरी बात मान, रम्सफील्ड की तरह तू भी साइड पकड़ ले। ओ मैन, हमने तुम्हें असामा के लिए फोन नहीं किया। फिर क्या छपका चीमा चाहिए? अबे यार कुछ ऐसा कर, उसको ले जा छपका चीमा को, उस पर भी बड़े केस है। तकरीबन सारी हीरोइन की इज्जत पे हाथ डालने का केस, हीरो के बाप के कत्ल का केस, दुकानें लूटने का केस, 420 का केस, ड्रग स्मगलिंग का केस, और वो बड़ा तावान का केस। तुम कैसा आदमी है मैन, क्या क्या बोलता रहता है? मेरा बात सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि इस साल कुर्बानी की खालें अमेरिका को देना है। कुर्बानी की खालें अमेरिका को? अबे क्या अफगानिस्तान और इराक जंग ने तुम्हें इस नौबत तक पहुंचा दिया क्या? नहीं मैन, ये बात नहीं है। बात यह है कि इस साल सर्दी बहुत है, और मैं चाहता है कि तमाम मुल्कों से खालें जमा करके जैकेट्स बनवाऊं और अपने मुल्क के लोगों को बांटूं। क्यों बांटूं? क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। शाबाश बुज भाई, शाबाश, अपने मुल्क के लोगों के लिए जैकेटें बनवा रहा हूँ क्योंकि उन्हें सर्दी लग रही है, और ये जो अफगानिस्तान और इराक में लोग तुम्हारी बमबारी से बेघर खुले आसमानों के नीचे पड़े हैं, वो क्या इंसान नहीं है क्या? अरे उनके तो तुमने रोजगारों के जरिए भी तबाह कर दिए, बेचारे भूखे प्यासे मौसम की जालिम हवाओं के आश्रय में बैठे हुए बेचारे। Amen, तुम हमको समझदार आदमी लगता है। ये बताओ दुनिया से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बड़ा आसान फार्मूला है बुज भाई। वो क्या? जिन्हें तुम दहशतगर्द कहते हो ना, उनसे तुम्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, और उनसे पूछना चाहिए कि वो दहशतगर्द क्यों बने, फिर उनसे इंसाफ करना। मगर हम तो इंसाफ कर रहा है। ये कैसा इंसाफ है? पूरी दुनिया में महंगाई देखो, बेरोजगारी देखो, करप्शन देखो। अगर इंसाफ होता तो दुनिया का ये हाल होता जो आज हर आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है? ये इंसाफ है तो खूब इंसाफ है भैया। मगर हमारी वजह से दुनिया में तरक्की भी तो हो रहा है। खराब तरक्की हो रहा है? अमीर आदमी के इस्तेमाल की हर चीज सस्ती हो रही है, और गरीब आदमी के इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो रही है। गाड़ी सस्ती हो गई, मोबाइल सस्ता हो गया, मशीनरी सस्ती हो गई, और उधर देखो आटा महंगा हो गया, गोश्त महंगा हो गया, घर महंगा हो गया, और सब्जी तो इतनी महंगी होने लगी है, मुझे तो डर है कि कुछ दिनों बाद सब्जी सिर्फ सुनार की दुकानों में मिलेगी, और आज के भाव की तख्ती लगी होगी और उस पर लिखा होगा टमाटर 150 रुपए तोला, प्याज 10 ग्राम 400 रुपए की, आलू 70 रुपए, और हाँ पालक 150 रुपए फी पत्ता। मैंने तो इसीलिए अभी से धनक इंटरनेशनल का डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया है, कम से कम 10-20% डिस्काउंट ही मिलेगा।